हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th केमिस्ट्री को अपन यहां पर पढ़ाने जा रहे हैं प्यारे भाई। उसके पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए, आज का मेन टॉपिक है तत्व यौगिक और मिश्रण। तत्व यौगिक और मिश्रण के बारे में हम बारीकी से समझेंगे प्यारे भाइयों, तो वीडियो को अंत तक देखना और जो भी आपका कमेंट रहेगा उसके आधार पर हम कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर प्यारे भाइयों तत्व के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? तत्व के बारे में। तत्व क्या है, इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा यौगिक, है ना, केवल क्या समझाना है वो चीज़ मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। इसके बाद प्यारे भाइयों मिश्रण, इसके भी प्रकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो डीपली समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग बस वीडियो को अंत तक देखते रहें। सबसे पहले बात करते हैं तत्व। तत्व क्या है, जिसे इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। तो हम यहाँ पे छोटा सा एक डेफिनेशन लिख देते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। डेफिनेशन लिखने का रीजन ये है कि आप यदि लिखना चाहते हैं प्यारे भाइयों तो लिख सकते हैं कि तत्व किसे कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल भी बहुत सिंपल तरीके से आप कोशिश करें, क्योंकि तत्व तो याद ही करना पड़ेगा। यदि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पूरे के पूरे 118 पूरे सभी तत्वों को आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसके ट्रिक भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, क्रम क्रम से एक एक समूह करके ट्रिक दे दूंगा ताकि आप लोग सभी ट्रिक को याद कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर यदि बात करें तो आप पहला देखें, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियान है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सभी के सभी क्या है, एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। तो ये सभी के सभी प्यारे भाइयों एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब ये जो तत्व होते हैं इनको हम और विभाजित नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणुओं को कभी विभाजित नहीं किया जा सकता है, परमाणुओं को हम विभाजित नहीं कर सकते। परमाणु और अणु का डिफरेंस देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि छोटा कौन सा है। तो शब्द के अर्थ से ही आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पर देखिए, परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण यही होता है, सूक्ष्मतम कण। लोग कंफ्यूज रहते हैं सूक्ष्मतम कण कौन सा है, परमाणु है, और इससे बड़ा होता है क्योंकि परमाणु से मिलकर अणु बनता है। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि शब्द ये छोटा है तो ये छोटा होगा और ये बड़ा है तो बड़ा, ऐसा नहीं होता। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है प्यारे भाइयों, और उससे बड़ा होता है अणु। तो इस पर आप क्लियर हो जाए और एक डाउट आपका क्लियर रहे कि परमाणु या अणु कौन छोटा होता है। तो परमाणु छोटा होता है, अणु थोड़ा सा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि परमाणु से मिलकर अणु बनता है। इतना क्लियर हो गया। तो तत्व के डेफिनेशन आपको क्लियर है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। अब इन तत्वों को वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकरण अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, इसको अपन क्लियर कर लेते हैं। यहां पर तत्वों का वर्गीकरण देखते हैं कि पीरियाडिक टेबल पे यानी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बांटा गया है। प्यारे भाइयों, तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है, तत्वों का वर्गीकरण, इनको तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में कौन कौन सा? पहला यदि मैं यहां पर लिख दूं तो पहला धातु तत्व, क्या प्यारे भाइयों, धातु तत्व। दूसरा आपका अधातु तत्व, और तीसरा जो है वो है उपधातु, उपधातु तत्व। यानी तत्वों को तीन श्रेणी में रखा गया। एक पहला धातु, जो भी तत्व धातु हैं, धातु क्या उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, फिर अधातु, फिर उपधातु। धातु में क्या होता है प्यारे भाइयों कि ऐसे कोई भी पदार्थ या तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, तथा होते हैं वह तन्न और आघात वर्ध होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, धातु तत्व कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब जिसमें ऊष्मा और विद्युत दोनों सुगमता से प्रवाहित हो सकता है, वो धातु तत्व कहलाते हैं। तन्यता मतलब खींचने पर आसानी से उसे हम खींच सकें। कुछ धातु तत्वों में भी यह चमकदार भी होते हैं। ये गुण हैं, ये धातु के गुण हैं। तो धातु में क्या होता है मुख्य रूप से कि
चमकदार होने का गुण होता है प्यारे भाई, तन्यता का गुण होता है, अगाधवर्धनीयता का गुण होता है, और प्यारे भाई ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, ये धातु तत्व कहलाते हैं। एग्जाम्पल भी आपको लिखना पड़ेगा कि धातु तत्व के एग्जाम्पल, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप लोग पीरियाडिक टेबल में पढ़ोगे धातु तत्व, जैसे एस ब्लॉक के सभी तत्व क्या है धातु, इसी प्रकार डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या है धातु। तो एस ब्लॉक का कोई भी दो तीन तत्व आप ले लें, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सोडियम, ठीक है ये धातु तत्व है, पोटेशियम ये धातु तत्व है, कैल्शियम ये धातु है, इसी प्रकार भैया लोहा, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, ये सभी के सभी क्या है धातु तत्व हैं। तो धातु तत्व आप तो समझ गए, जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, जिनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, जो अगाधवर्ध होते हैं, और जिनमें चमकदार मतलब रहने का गुण पाया जाता है, अर्थात जो चमकदार होते हैं वो धातु तत्व कहलाते हैं। इतना क्लियर हो गया आपका धातु तत्व, आप डेफिनेशन समझ चुके होंगे, ठीक है ना, इसको क्लीन कर दिया जाए, क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको लिखाने के लिए भाई थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आप लोग लिख सकें। ओके, तो इसको अपन क्लीन करते हैं, इसके बाद देखते हैं अधातु जी, ठीक है। चलिए अब आप हेडिंग डाल लीजिए अधातु, लिखते चले, नोट्स बनाते चले, कॉपी पेन से मैं पढ़ाता था, लेकिन अब धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं कि ये व्हाइट बोर्ड पे आपको पढ़ाऊं। देखिए कॉपी पेन में पढ़ाने में क्या, पहले से लिख लिया जाता है जिससे आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं, लेकिन अभी यहां पर जो बोर्ड में है तो अब उतना सुटेबल यहां पर लिखना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन आप लोग हम बोलते जाते हैं आप लोग नोट्स भी बनाते चले। ओके, तो आप लोग हेडिंग डालें, दूसरा अपना सेकेंड जो पॉइंट है वो अधातु है, अधातु तत्व। इसका सिंपल डेफिनेशन है प्यारे भाइयों, ऐसे तत्व जिसमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते। यहां पर मैं लिख देता हूं सिंपल कि ऐसे तत्व, यहां पर आप लोग लिख लें ऐसे तत्व जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते क्या कहलाते हैं प्यारे भाइयों, अधातु कहलाते हैं, अधातु तत्व कहलाते हैं। डेफिनेशन लिखने का मतलब यह है कि आप लोग भी लिखते चलें, ठीक है। अधातु तत्व कहलाते हैं ऐसे तत्व जिनमें धातुओं के गुण नहीं पाए जाते, जैसे मतलब ऊष्मा और विद्युत के, जैसे धातु क्या होता है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, तो अधातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक नहीं होगा। धातुओं में चमकदार रहने का गुण होता है तो ये अधातु जो है चमकदार नहीं होते। तन्यता का गुण पाया जाता है तो ये तन्यता का गुण इसमें नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी ब्लॉक के, जैसे उपधातु के बाद के जो भी तत्व हैं, जैसे मान लीजिए हम ब्रोमीन ले लेते हैं फ्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं, ये आपके एफ ब्लॉक के तत्व हैं, और भी आप ले लो नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, N2O2 ले लो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन N2O2 है ना, ये गैस है, और प्यारे भाइयों जो भी ले सकते हैं फास्फोरस ले लें, ये सभी के सभी क्या है अधातु हैं। तो अधातु का मतलब क्या हुआ प्यारे भाइयों, जिनमें धात्विक गुण नहीं पाया जाता वो अधातु तत्व कहलाते हैं, जिनमें धात्विक गुण नहीं पाया जाता वो अधातु तत्व कहलाते हैं। तो धातु तत्व और अधातु तत्व आप सिंपल तरीके से समझ गए। अभी हम तत्वों का वर्गीकरण देख रहे हैं, अभी यौगिक और मिश्रण नहीं देख पा रहे हैं, अभी थोड़ा सा धातु और अधातु तत्व अब चर्चा कर लेते हैं। उपधातु, देखिए उपधातु का अर्थ आप ऐसे भी समझ पा रहे होंगे, उपधातु मतलब धातु से ही बना उपधातु, मतलब जिसमें हल्का फुल्का धात्विक गुण पाया जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से धात्विक गुण नहीं पाया जाएगा प्यारे भाई, वो उपधातु कहलाएगा। कहने का मतलब जिसमें आंशिक रूप में धात्विक गुण पाए जाते हैं ऐसे तत्व, यहां पर आप लिखेंगे ऐसे तत्व जिनमें धातु के कुछ गुण पाए जाते हैं, धातु के कुछ गुण पाए जाते हैं, ठीक है, वे उपधातु कहलाते हैं। क्या? उपधातु कहलाते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी भाषा में कि ऐसे तत्व जिसमें धातु के आंशिक गुण पाए जाते हैं, बहुत कम लक्षण पाए जाते हैं, वो उपधातु कहलाते हैं। जैसे कुल उपधातु की संख्या, मैं यदि आपसे कहूं कि उपधातु की संख्या यदि आपसे पूछा जाए प्यारे भाइयों, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है 6। अब यदि मैं आपसे पूछूं अब तक के कुल कितने तत्व कितने भैया, तो 118 कुल तत्व हैं, जिसमें प्रकृति में कितने तत्व पाए जाते हैं, तो प्रकृति में टोटल है भैया 92, और इसके बाद आप कैलकुलेशन कर लो कितना बचा, इधर 8 और 18 26 जो है कृत्रिम तत्व है, मतलब जो मानव निर्मित तत्व है वो कृत्रिम तत्व कहलाते हैं। तो इतना क्लियर हो गया उपधातु की संख्या कितनी है 6। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख लें, थोड़ा सा एग्जाम्पल भी आपको लिखना है, तो उपधातु यहां पर मैं लिख देता हूं उपधातु, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए बोरान है, ठीक है, और जर्मेनियम है, ठीक, और आपका हो गया सिलिकॉन है, ठीक है,
और एंटीमनी है भैया, और आपका टेल्यूरियम है, तो ये क्या है, उपधातु, ठीक है, जर्मेनियम है, ठीक। तो ये हो गया आपका उपधातु। उपधातु में मतलब ना तो धातु ही है और ना तो अधातु है, बीच का लक्षण है, अर्थात धातु के भी कुछ आंशिक रूप से गुण पाए जाते हैं और अधातु के भी कुछ, है ना। कुल मिलाकर के उपधातु धातु और अधातु दोनों के मध्य का तत्व है, और धातु और अधातु के बीच में रखा भी गया है उपधातु को। कभी हम भी पीरियाडिक टेबल पूरा बनाकर आपको समझाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कहां पे उपधातु और क्यों रखा गया है। इतना क्लियर हो गया प्यारे भाइयों, तो ये अपना तत्वों का वर्गीकरण है। अब तक में ज्ञात तत्व में कुल कितने तत्व है, आपको बताया जा चुका 118 तत्व, ठीक है। 118 तत्व में प्यारे भाइयों प्रकृति में कितने तत्व पाए जाते हैं, तो 92 जो तत्व है प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि कृत्रिम तत्व की बात की जाए तो कृत्रिम तत्व कितने हो जाएंगे, 26 तत्व, ठीक है, 92, ठीक है, 92 प्रकृति और 26 कृत्रिम, जो मानव निर्मित है। इतना क्लियर हो गया, हमारा तत्व हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं मिश्रण। मिश्रण की पहले यहां पर हम डेफिनेशन लिखेंगे जिसे आप लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए, तत्वों के बाद ही तत्वों का जब संगठन होता है तो यौगिक बनता है, और यौगिक, सॉरी अभी यौगिक देख लेते हैं फिर मिश्रण चर्चा करेंगे। तो यौगिक कैसे बनता है आप समझिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में मिलकर, एक निश्चित अनुपात में मिलकर 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 नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है, नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो वह पदार्थ, तो वह पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है, या बना हुआ नया पदार्थ यौगिक कहलाता है, ठीक है प्यारे भाई। इतना क्लियर है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो बना हुआ पदार्थ यौगिक कहलाता है, एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। बस दोनों में डिफरेंस इतना ही है, यौगिक मिश्रण में डिफरेंस इतना ही है कि यौगिक जो होता है एक निश्चित अनुपात में मिलकर बना होता है, और मिश्रण वहीं पर एक अनिश्चित अनुपात में मिलकर बना होता है। कहने का मतलब यहां पर यदि हम लिख दें, जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक अनिश्चित अनुपात में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह पदार्थ मिश्रण कहलाता है, और हमने यौगिक में क्या कहा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं प्यारे भाइयों तो वह पदार्थ यौगिक कहलाता है। सिंपल, जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है प्यारे भाइयों, यौगिक कहलाता है। एग्जांपल के तौर पर हम यदि बात करें, जैसे हम ले लेते हैं H2O, ये भैया 2:1, देख सकते हैं एक निश्चित अनुपात में मिलकर बना हुआ है। हम यदि बात करते हैं H2SO4, तो यहां पर 1:1:4 ये होता है भैया हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो, यानी निश्चित अनुपात में मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, तो इसमें कितना का रेशियो है, 1:2 का है, है ना, यानी कार्बन के एक अणु है, यहाँ पर एक परमाणु है, ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, तो जब ये निश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं तो यौगिक कहलाते हैं। सिंपल परिभाषा है प्यारे भाइयों कि यौगिक क्या है, कि ऐसे पदार्थ मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं लेकिन उनमें अनुपात निश्चित होता है तो वो कहलाता है यौगिक। यदि मिश्रण की बात की जाए तो मिश्रण में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं लेकिन उनका अनुपात निश्चित नहीं होता। जैसे यदि हम कह दें यहाँ पर कि मिश्रण का एग्जाम्पल आप बता दो, तो मिश्रण आप कह दोगे दूध और पानी, दूध और पानी का मिश्रण, पानी का मिश्रण, सिंपल है, दूध और पानी का मिश्रण, ठीक है। इसी प्रकार मिट्टी और रेत का मिश्रण, ठीक है, मिट्टी और रेत का मिश्रण, जल और तेल का मिश्रण, ये भैया अनिश्चित अनुपात में मिलकर बने होते हैं। हमने पानी में शक्कर मिला दिया, पानी में शक्कर मिला दिया, शरबत बनाया, वो भी एक अनिश्चित अनुपात में होता है। पानी में हमने नमक मिला दिया, वो भी एक मिश्रण होता है। तो मिश्रण और यौगिक का परिभाषा तो आप एक ही साथ समझ गए कि यौगिक क्या कहलाता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब वो नया पदार्थ जो है यौगिक कहलाता है। लेकिन जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक अनिश्चित अनुपात में, जिनका रेशियो एश्योर नहीं होता, डेफिनेट नहीं होता, तब जो नया पदार्थ बनता है वो मिश्रण कहलाता है।
चीजें क्लियर, इतना समझ गया प्यारे भाइयों, यौगिक मिश्रण की परिभाषा और एग्जाम्पल्स आपने समझ लिया होगा और लिख भी लिया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम आपसे चर्चा कर लेते हैं कि यौगिक को भी बांटा गया है और मिश्रण को भी बांटा गया है। तो यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका कार्बनिक यौगिक, क्या भैया कार्बनिक यौगिक यानी जिसमें मुख्य रूप से कार्बन होता है, और दूसरा है आपका अकार्बनिक यौगिक, क्या अकार्बनिक यौगिक, क्या अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर मैं बता देना चाहता हूं, पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते लेकिन आपको समझना जरूरी है, बेसिक तौर से आपको समझना यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्बनिक यौगिक में क्या होगा कि ऐसे यौगिक जिसमें मुख्य घटक कार्बन होगा, ऐसे यौगिक जिसमें मुख्य घटक कार्बन होगा वो कार्बनिक यौगिक कहलाएगा प्यारे भाइयों। और अकार्बनिक यौगिक में क्या होता है कि मुख्य घटक कार्बन नहीं होता, मतलब कार्बन के अतिरिक्त जब मुख्य रूप से अन्य घटक उपस्थित होते हैं वो अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। इतना क्लियर, इसमें ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। और हम यदि बात कर लें मिश्रण की, तो मिश्रण भी दो प्रकार से होता है, एक समांगी मिश्रण, फर्स्ट नंबर आप यहां पे लिखेंगे समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा प्यारे भाइयों विसमांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, ठीक है। मिश्रण दो प्रकार का होता है, पूरा एग्जांपल यहां पर क्लियर करेंगे। मिश्रण दो प्रकार के, समांगी मिश्रण और विसमांगी। समांगी मतलब समान रूप से, और विसमांगी मतलब थोड़ा अलग अलग, है ना। जैसे हम यदि बात करें कि यदि हम दूध और पानी को मिला दें, दूध और पानी को मिला दें तो आपका वो बिलियन ही बनेगा प्यारे भाइयों, लेकिन एक श्योर बढ़िया सा बिलियन बनेगा, मतलब एक दूसरे से पूर्ण रूप से मिले हो जाएंगे, मिल जाएंगे। लेकिन वहीं पर यदि हम पानी में, यदि पानी में मान लीजिए सिलिका मिला दें, रेत मिला दें, तो फिर बताओ क्या बनेगा, ये भी एक बिलियन बनेगा लेकिन ये प्योर बिलियन नहीं बनेगा। तो जब प्यारे भाइयों दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में तो मिलते हैं लेकिन वो निश्चित रूप से विलय नहीं हो पाते, वो विसमांगी। और समांगी मतलब समान माध्यम है, दूध भी लिक्विड है और पानी भी लिक्विड है प्यारे भाइयों, और मिलकर के एक बेहतरीन विलयन बनाता है, तो समांगी मिश्रण। कुल मिलाकर के ऐसा मिश्रण जो पूर्ण रूप से एक दूसरे पर विलय हो जाते हैं वो समांगी मिश्रण कहलाया, और जो पूर्ण रूप से विलय नहीं होते वो विसमांगी मिश्रण कहलाता है। समझ गए, समांगी मिश्रण दूध को पानी से मिलाओ, सिंपल आप समझो, तो दूध और पानी आपस में अच्छे से विलय हो जाता है तो वो समांगी मिश्रण। अभी पानी में यदि आप तेल मिला दो तो क्या तेल कभी विलय होता है, तो विसमांगी मिश्रण है। पानी में आपने रेत मिलाया, कभी प्रैक्टिकल करके देख लेना, कभी वो विलय पूर्ण रूप से नहीं होगा। तो जब दो पदार्थ हैं आपस में मिल रहे हैं, अनुपात निश्चित नहीं है लेकिन वो पूर्ण रूप से एक दूसरे पर विलय हो जा रहे हैं, दूसरे एक दूसरे पर पूर्ण रूप से विलय हो जा रहे हैं, मतलब एक पदार्थ दूसरे पर पूरा घुल जा रहा है, मिल जा रहा है, तो वह कहलाता है समांगी मिश्रण। और जब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट नहीं हो पाते, मतलब आपस में विलय नहीं हो पाते, तो वो जो मिश्रण बनता है वो विसमांगी मिश्रण बनता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने तत्व, यौगिक और मिश्रण तीनों चीजें अच्छे से क्लियर कर लिए प्यारे भाइयों। इसी प्रकार हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, बेसिक तौर पे पूरा समझाने की कोशिश करेंगे, आप नोट डाउन करते चलें। और एक डिफरेंस आता है मिश्रण और यौगिक में अंतर, जो अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कोशिश यही करता हूं कि आप लोग बेहतरीन समझे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।